हो लाख जुल्म ये नेमत बदल नहीं सकती दिलों से उनकी मोहब्बत निकल नहीं सकती और तुम्हारी मगर कुरान की आयत बदल नहीं सकती कुचल के रख देगा। तू अपने पहले के नमरूद की तारीख को पढ़, तेरे वजूद को मच्छर मसल के रख। सरकार कहीं जब सजी देखी गए। सुभान अल्लाह, दिल से कहें या रसूल अल्लाह, एक बार सारा मजमा हाथों को उठाए और सरकार के नाम पे कह दे या रसूल अल्लाह। जितनी मोहब्बत आप अपने नबी से करते हैं उतने बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, हाजिर करता हूँ, मुलाजा करें। बज़्म सरकार के घी जब सजी देखी गए, बज़्म सरकार के घी जब सजी देखी गए, बज़्म सरकार के घी जब सजी देखी गए, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी गए, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी गए, बज़्म सरकार के घी जब सजी देखी गए, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी गए। सुभान अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो फिर से पढ़ दूं इसको, इजाजत है? हाँ, कह दें सुभान अल्लाह। हाँ, बज़्म सरकार के घी जब सजी देखी गए, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी गए, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी गए, जिन्नी गाँव
हजरात मोहतरम एक और शेर पढ़ता हूँ, चार मिसरे आपके समातों के हवाले करता हूँ। उलमाए किराम बैठे हैं, मेरे दोस्त हजरात बैठे हैं, यूसुफ भाई बैठे हैं, इन उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए एक शेर पढ़ता हूँ। आपने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे देखा होगा या न्यूज के जरिए सुना होगा, एक खबीस और बदबख्त किस्म का आदमी कुरान शरीफ की 26 आयतों को लेकर के आया था, है नाम सुना है उसका आपने, और कहा था कि इसको कुरान से निकाल दिया जाए, माजल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये दहशतगर्दी के आयत है, माजल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो इस वक्त कहाँ है मालूम है आपको? मालूम है वो कहाँ है इस वक्त? उसका नाम जानते हैं आप? खबीस नाम है उसका, खबीस रिज़वी है, खबीस रिज़वी। वो इस वक्त वो सड़ रहा है, कहाँ सड़ रहा है वो तो खुद यार वो खुदकुशी करने वाला है। हाँ ये अल्लाह की मार है, अल्लाह खुद निकल गया, ये अल्लाह की शान है। और मेरे बुजुर्गों का मौजजा है कि कुरान की आयतों को निकालने चला था और खुद इस्लाम से तो पहले ही से निकला था, और अच्छी तरह निकल गया। हाजिर करता हूँ, चार मिसरे सुनिएगा और मैं देखना चाहता हूँ कि इस शेर का इस्तकबाल आप किस अंदाज में करते हैं, मुलाहजा कर लीजिए। एक बार हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहना या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुलाहजा करें। लाख जुल्म ये नेमत बदल नहीं सकती। अगर बात सच्ची होगी तो आप बोलिएगा, वरना आपसे कोई शिकायत नहीं, आप खामोशी से बैठे रहिएगा, मुलाहजा करें। लाख जुल्म ये नेमत बदल नहीं सकती, लाख जुल्म ये नेमत बदल नहीं सकती, दिलों से उनकी मोहब्बत निकल नहीं सकती, उनकी मोहब्बत निकल नहीं सकती, भुला के जुल्म ये नेमत बदल नहीं सकती, दिलों से उनकी मोहब्बत निकल नहीं सकती, और तुम्हारी कुरान की आयत बदल नहीं सकती, मगर कुचल के रख देगा, तू अपने पहले के नमरूद की तारीख को पढ़, तेरे वजूद को मच्छर मसल के रखे। बहुत अच्छा, इन्होंने एक 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 खबीस का नाम लिया नमरूद, हजरत ने नाम लिया। तो एक शेर पढ़ता हूँ, कितने 500 साल हुकूमत किया ना ये लोग, है 500 साल हुकूमत करने वाले किए, लेकिन मुसलमानों को न तब खत्म कर पाए और न आज तक खत्म कर पाए, और हमारा ईमान अकीदा है कि मुसलमान कयामत तक रहेगा इंशाअल्लाह, सुबह कयामत तक रहेगा इस्लाम और मुसलमान। एक शेर पढ़ता हूँ, आज ये 5 साल वाले हमें हिंदुस्तान से बाहर करने की बात करते हैं, खुदा की कसम आपकी कौम ने जितनी कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए, किसी कौम ने उतनी कुर्बानी नहीं दी है। आप पढ़िए, पता करिए, उलमा के करीब जाइए और मिलिए और पूछिए कि आपकी कौम ने कितनी कुर्बानी दी है। दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई ऐसा पेड़ बाकी नहीं था जिस पे उलमा कराम की लाशें न लटकी गई हैं, समझ रहे हैं आप, इतनी कुर्बानियां दी हैं। अभी तो एक सिर्फ एक एक छोटा सा पहलू है, ये बहुत सारे पहलू छुपे हुए हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा मोहब्बतों के साथ सुनिएगा, और कह दें या रसूल अल्लाह, दिल से कहें या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह, सुने सुने सुने।
दस्तार रहेगी कब तक। कब सबसे बड़ा झूठा कौन है हिंदुस्तान में, जानते होंगे आप, नाम मत दीजिए उसका। सभी आदमी के इस पाक महफिल में नाम लेने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ जाएं। हाजिर करता हूं, मैं देखना चाहता हूं कहां तक समझ पाते हैं। यूसुफ भाई की दुआएं लेता हूं, हाजिर करता हूं। आजम भाई सुनिएगा। हाँ सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, ये बता रेत की दीवार रहेगी कब तक, ये बता रेत की दीवार रहेगी कब तक, सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, ये बता रेत की दीवार रहेगी कब तक। देखते गए तेरी सरकार रहेगी कब तक। एक शेर मैं चाहता हूँ करबला के हवाले से पढ़ दूँ, सुनेंगे आप। हुसैनी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बस यही, इसी के बाद मैं खत्म कर दूंगा, आगे नहीं पढ़ूंगा, आप घबराइए नहीं। हुसैनी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार हाथों को उठा के कह दें या हुसैन, हुसैनी रंग में जरा कह दें या हुसैन। सुभान अल्लाह, अभी तो जिंदा लोग हैं ये माशाल्लाह। देखिए कुछ मुजाहिदीन और आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह इनको खुश रखे, सलामत रखे। मुलाहिज़ा करें मोहब्बतों के साथ। हाँ ये करबला है उजाला यहीं से निकलेगा, ये करबला है उजाला यहीं से निकलेगा, हुसैनियत का सितारा यहीं से निकलेगा, हुसैनियत का सितारा यहीं से निकलेगा, ये करबला, ये करबला है उजाला यहीं से निकलेगा, हुसैनियत का सितारा यहीं से निकलेगा, हुसैनियत का सितारा यहीं से निकलेगा। और यहीं पे यजीदियत का जनाजा यहीं से निकलेगा, यजीदियत का जनाजा। अल्लाह क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा क्या बात, वाह 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 वाह। आपने तो ऐसा ऐसा महसूस करा दिया कि प्रोग्राम शुरू हो रहा है अभी। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक और शेर पढ़ता हूँ करबला के हवाले से, सुन लीजिए सुन लीजिए। और बहुत बड़ा शेर नहीं, इससे इससे बड़ा शेर, बहुत बड़ा शेर पढ़ता हूँ, सुनिए मोहब्बतों के साथ। मेरे भाई इधर देखें, आप इधर देखें, आपने बहुत अच्छा नारा लगाया, अल्लाह आपको खुश रखे। जाऊंगा तो इनका नंबर ले लीजिएगा आप। बहुत अच्छा नारा लगाया आपने, अल्लाह खुश रखे। मदीना दिखाए इनको, सारे लोगों को मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। यूसुफ भाई एक शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा, बहुत बड़ा शेर। हजारों नाज के जलवे दिखाए जाते हैं,
बहुत बड़ा शेर कसम खुदा की। मैं दुआएं चाहता हूँ अफरोज भाई, सादिक भाई, दुआएं चाहता हूँ आजम भाई। हजारों नाजिक जलवे दिखाए जाते हैं, यहाँ चराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। क्या बात। हाँ, हजारों नाजिक जलवे दिखाए जाते हैं, यहाँ चराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। यहाँ चराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। दो बजे रात में आपके लिए कलेजा पेश कर रहा हूँ, थोड़ा सा और साथ दे दी, इंशाल्लाह मजा आएगा। हजारों नाजिक जलवे दिखाए जाते हैं, हजारों नाजिक जलवे दिखाए जाते हैं, यहाँ चराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह जज़ा दे आपको। फिर से पढ़ दूं उलमाए इकराम फिर मैं दे रहे हैं इस शेर को, पढ़ दूं कहने या हुसैन। दोनों हाथों को उठा के जितनी नबी जितनी मोहब्बत करते हैं इमाम हुसैन से, उतने बुलंद आवाज से कहे या हुसैन, या हुसैन, और दिल से या हुसैन। सुभान अल्लाह, हाजिर करता हूँ, मुलाजा करे अली हसन भाई, कहाँ मैं तो उनको देखा भी नहीं, बार बार सब लोग नाम ले रहे थे। अच्छा प्रधान जी, माशाल्लाह, अल्लाह उनको खुश रखे। अल्लाह क्या बात है। अच्छा शायरों का दिमाग कहाँ कहाँ जाता है, गहरी बात है, क्या बात है। अल्लाह खुश रखे, मुलाजा करे मोहब्बतों के साथ। हजारों नाजिक जलवे दिखाए जाते हैं, यहाँ चराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। लेकिन इसके सुभान अल्लाह, इसके पहले इन्होंने ही नारा लगाया था ना, तो ऐसा नहीं ना कि उधर से अली हुसैन भाई ने सेट करके।
नहीं कुछ पैसे वैसे किराया दे करके नहीं, आपको नारा ही लगाना है तो कोई दूसरा और लगा दे तो मुझे यकीन हो जाएगा कि ना किराया वाला मामला नहीं है। अली हुसैन भाई ने एक एक नोट अली और एक नोट हुसैन के नाम से, तो करबला वालों का सदका तो पूरी 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 दुनिया खाती है, पूरी दुनिया खाती है करबला वालों का सदका। हाजिर करता हूँ, मुलाहजा करिएगा मोहब्बतों के साथ। हाँ वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है, वही दिलेर यकीनन दिलेर होता गए, वही दिलेर यकीनन दिलेर होता गए, के जिसके आगे जबरदस्त जेर होता है, के जिसके आगे जबरदस्त जेर होता है, वही दिलेर यकीनन दिलेर होता गए, के जिसके आगे जबरदस्त जेर होता है। और जमाने बदले बोले सुभान अल्लाह, जमाने बदले जमाने वालों ये शेरे खुदा का घर है जहां, का घर जगह अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। फिर से पढ़ दो, बहुत शुक्रिया। वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है, कि जिसके आगे जबरदस्त जेर होता है, कि जिसके आगे जबरदस्त जेर होता है। बच्चा भी शेर होता है, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। आखिरी चार मिसरे हमारे आजम भाई की फरमाइश है। आखिरी जब में जज्बे ईमान कहां से आता, सुने ना कहते सुभान अल्लाह, कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, आप आते न तो कुरान कहां से आता। सुस्त ना पढ़िए, सुस्त ना पढ़िए, इतना जग जाइए कि आखिरी शेर है ऐसा लगे कि जलसा उल्टा चल रहा है मामला, मसला हो जाएगा। अच्छा चलिए आखिरी शेर पढ़ता हूँ, सुनिए। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता, तुझ पे रमजान कहाँ से आता, तू न आता तो ये रमजान कहाँ से आता, तू न आता तो ये रमजान कहाँ से आता। अब इसमें एक शेर क्यों छोड़ दूँ, हाँ ख्वाजा की बारगाह में एक शेर करता हूँ, मुलाहजा करिएगा।
ये हाँ बहुत शुक्रिया। हाँ आप हिंदुस्तान में रहते हैं ना, ख्वाजा का हिंदुस्तान है हमारे बाप दादा का है और हिंदुस्तान हमारे बाप दादा का है। 56 इंच का सीना दिखा के कहेंगे ये हिंदुस्तान हमारा है, खून इसमें सींचा है हमारे बुजुर्गों ने। शेर पढ़ता हूँ सुनिए। कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता। नबी के जिक्र की दौलत, नबी के जिक्र की दौलत खुदा ने बख्शी है। हमारे घर में कोई बेजुबान थोड़ी है, यहाँ दयारे ख्वाजा है, कलियर है, बरेली है और किछो छा। बगैर इनके ये भारत महान थोड़ी है, बगैर इनके ये भारत महान थोड़ी है। वाह भाई वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप हजरात की मोहब्बतों का। हमारे यूसुफ रजा।